आज हिसाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी के जामताड़ा से विधायक हरफान अंसारी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लगता है अब कोर्ट को भी भाजपा चला रही है। इस बयान को लेकर भाजपा ने इरफान अंसारी को आड़े हाथों लिया है। धनबाद समेत झारखंड भाजपा ने नेता इरफान अंसारी की खिंचाई कर रहे हैं। हिसाब विवाद पिछले एक महीने से ज्यादा समय से सुर्खियों में रहा है। इस मामले में मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया। हाईकोर्ट ने कहा कि हिसाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि संरक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिसाब पर बैन लगा सकते हैं। अपने आदेश के साथ ही हाईकोर्ट में हिसाब की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट की फुल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा हिसाब पहनना इस्लाम में जरूरी हिस्सा नहीं है। बेंच के मुस्लिम संगठन और छात्रों की याचिका खारिज करने हुआ कहा कि हिसाब पहनना जरूरी नहीं है। शिक्षण संस्थान क्लास में हिसाब पहनने पर बैन लगा सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि इरफान के इस बयान पर किस तरह का एक्शन लिया जाता है।